ये क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट टू माइनस टू एंड माइनस टू एंड टू, प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और कंटेनिंग द लाइन जो जिस पर, सपोज अगर ये कोई प्लेन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है माइनस टू एंड टू और कंटेनिंग है लाइन, मतलब इस पे कोई लाइन है जो टू पॉइंट से पास हो रही है वन 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 एंड वन माइनस वन एंड टू, तो प्लेन की इक्वेशन पूछी है। तो ये प्लेन की इक्वेशन के हमें ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सी प्लेन की इक्वेशन होगी, तो इसको पूरा मेथड से ना करके, पूरा मेथड तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये हमें प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, इनमें से कोई एक आंसर है और ये जो पॉइंट है इससे प्लेन पास हो रहा है, तो इस पॉइंट को ऑप्शन में पुट करके देखें जो सेटिस्फाई हो जाए वही आंसर होगा। कभी कभी दो भी सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसके लिए और कुछ देखेंगे, फिलहाल तो अभी इसमें अगर हम पुट करके देखते हैं, देखो फोर्थ में ये सेटिस्फाई हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन है एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स जेड प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री इंटू माइनस टू एंड माइनस सिक्स इंटू टू प्लस एट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो माइनस टू प्लस सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस एट, ये हो जाएगा सिक्स एंड एट फोर्टीन एंड माइनस टू एंड माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टीन प्लस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 12, पी क्यू आर एस है पोजिशन वैक्टर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस के पोजिशन वैक्टर हैं, मतलब पी का पी है, क्यू का क्यू है, आर का आर है और एस का एस है, मतलब पी का पोजिशन वैक्टर ओ पी इज इक्वल टू दिया हुआ है पी, क्यू का पोजिशन वैक्टर ओ क्यू क्यू दिया हुआ है, आर का पोजिशन वैक्टर आर दिया हुआ है एंड एस का पोजिशन वैक्टर एस दिया हुआ है, सच दैट ये दी हुई कंडीशन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू टू एस माइनस आर स्मॉल एस, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो पी माइनस क्यू दी हुई है इसे देखते हैं हम, पी माइनस क्यू मीन्स क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू क्या है ओ पी, क्यू का वैल्यू है ओ क्यू, ओ क्यू एंड टू एस है ओ एस और ये है ओ आर, तो ये है हमारा क्यू पी, क्योंकि अगर हम ए बी का वैल्यू निकालते हैं तो ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, तो ऐसे ही हो जाएगा क्यू पी और ये हो जाएगा टू आर एस, तो मतलब एक क्यू पी ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ आर एस से आर एस से डबल है, तो पी क्यू है सपोज अगर कोई और आर एस है, अब आर एस कहाँ पे है, इधर है इस लाइन पे है यहाँ पे आर एस या फिर ऊपर है या कहाँ है, कुछ भी ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं पी क्यू एंड आर एस बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसा कुछ हो नहीं हो भी सकता नहीं भी हो सकता क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, पी क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट ईच अदर ये भी नहीं कह सकते, पी क्यू एंड आर एस ट्राइसेक्ट ईच अदर ये भी नहीं कह सकते, एंड नन ऑफ दिस, पी क्यू एंड आर एस ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट हो सकता था जैसे अगर सपोज यहाँ हो जाता, बट ऐसा बोला नहीं है कि इस पर जो आर एस है पी क्यू वेक्टर पर लाई कर रहा है, आर एस यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन फोर, ये दिया हुआ है ए माइनस बी प्लस सी एंड फोर ए माइनस सेवन बी माइनस सी एंड थ्री ए प्लस सिक्स बी प्लस सिक्स सी आर नॉन ज़ीरो नॉन कोप्लर, तो इनमें से कौन सी कंडीशन है, तो हम चेक कर लेते हैं कहीं ये वेक्टर कोप्लेनर तो नहीं है, तो कोप्लेनर के लिए हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहाँ रखेंगे इसका वन माइनस वन और इसका वन, इसका वेक्टर का फोर और माइनस सेवन एंड माइनस वन, इसका थ्री और सिक्स
इसका 6, तो वैल्यू चेक करते हैं इसकी, 1 माइनस 42 प्लस 6 माइनस 1 24 प्लस 3 प्लस 1 24 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 1 माइनस के 36 और ये हो जाएगा माइनस के 27 और ये होगा प्लस के 45। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 63 प्लस का 45 और इसको माइनस करेंगे तो 8 माइनस का 18 आ जाएगा। तो हम इसमें ये तीनों वेक्टर का हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया तो माइनस 18 आ रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो ये नॉन कोप्लेन आ रहा है, ठीक है, और कोलिनियर भी नहीं होंगे ये, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 4, 14th, 10 pi upon 20, 10 3 pi upon 20, 10 5 pi upon 20, 10 7 pi upon 20, and 10 9 pi upon 20। तो कैसे करेंगे, देखो ये वाला जो है इसको हमें इक्वल, ये किसके इक्वल है, तो ये तो हमें 10 फाई फोर जा हो जाएगा, तो पाई बाई फोर हो जाएगा, तो इसके वैल्यू तो 1 है, ठीक है। हम 10 पाई अपॉन 20 को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस 9 पाई अपॉन 10, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 20 आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही 10 थ्री पाई अपॉन 20 को सॉल्व करेंगे तो पाई बाई टू माइनस 7 7 पाई अपॉन 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 थ्री पाई अपॉन 20, और ये तो आपका 10 पाई बाई फोर हो ही जाएगा, तो 1, इन दोनों को एज इट इज़ रखते हैं, 10 7 पाई अपॉन 20 एंड 10 9 पाई अपॉन 20, ये हो जाएगा कॉट 9 पाई अपॉन 20 इंटू ये हो जाएगा कॉट 7 पाई अपॉन 20 इंटू 1, और ये 10 7 पाई अपॉन 20 और 10 9 पाई अपॉन 20, कॉट 9 पाई अपॉन 20 10 9 पाई अपॉन 20 कैंसिल, इसको 1 अपॉन 10 9 पाई अपॉन 20 कर लेंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही इसको चेंज कर लेंगे 10 7 पाई अपॉन 20 तो 10 7 पाई 20 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आंसर ऑप्शन 1। 15th one है द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू थीटा फाइंड करनी है, ये हमें दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर कर लेंगे 2 टू ज़ा 4, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 प्लस 1 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस 2 कॉमन, 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन साइन की वैल्यू माइनस 1, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको लेते हैं 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1 बाई 2, तो यहाँ से साइन थीटा ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, साइन 7 पाई बाई 6 आ जाएगा ये जो वैल्यू होती है आपकी होती है
साइन 210 की, तो उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे साइन पाई अपॉन 6। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस -1 की पावर एन 7π/6। ऑप्शन 4। सिक्सटींथ, 10 cos inverse x इज इक्वल टू, 10 cos inverse x इक्वल टू, तो cos inverse x को यहाँ 10 है, तो इसको 10 inverse में चेंज कर लें, तो cos x इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज। तो बेस इसको अपॉन में 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बेस बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज। यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, आ जाएगा 1 - x²। तो 10, अब यहाँ से हम कॉस इनवर्स को चेंज कर रहे हैं 10 इनवर्स में, तो 10 इनवर्स, 10 का जो वैल्यू होता है वो होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 1 - x² अपॉन बेस x। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 1 - x² अपॉन x। ऑप्शन ए। दिस 17th, ये किसके इक्वल है, तो सिग्मा को ओपन करेंगे इस क्वेश्चन में हम, तो क्या आ जाएगा B² - C² अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस C² - A² अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस A² - B² अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें ना इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो हमें पता है साइन रूल से साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के, या फिर ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, दोनों में से कोई, ये दोनों साइन रूल हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये वाले यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा के साइन ए, बी इज इक्वल टू आ जाएगा के साइन बी, एंड सी इज इक्वल टू आ जाएगा के साइन सी। पुट कर रहे हैं बी की वैल्यू के साइन बी, मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी ऐसे ही सी की, माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, यहाँ से के स्क्वायर हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी। तो के स्क्वायर हम एज इट इज रख रहे हैं, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं 1 - cos² b में, और इसको ब्रेक कर रहे हैं 1 - sin² c में, तो माइनस अंदर जाएगा, तो -1 + sin² c अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी, 1 से 1 कैंसिल, ये आ जाएगा sin² c - cos² b, sin² c - cos² b। यहाँ से सॉरी, ये cos² c था, cos² c आएगा, cos² c - cos² b। तो अपॉन में आ जाएगा कॉस बी प्लस कॉस सी, ऊपर वाला हम के स्क्वायर आगे करते हैं। के स्क्वायर
तो इसको लिखेंगे, रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रही है, हमने इस पार्ट को यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, फिर अब इसको आगे कर रहे हैं। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो के स्क्वायर कॉस बी प्लस कॉस सी और कॉस बी माइनस कॉस सी अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा के स्क्वायर कॉस बी माइनस कॉस सी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया इसको, तो आ रहा हमारा के स्क्वायर बी माइनस कॉस सी। ऐसे हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा प्लस के स्क्वायर, प्लस है ना बीच में, के स्क्वायर कॉस सी माइनस कॉस ए। ऐसे थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो प्लस के स्क्वायर कॉस ए माइनस कॉस बी, के स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तीनों में से, तो ये जाएगा कॉस बी माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी। ये हमारा क्या हो जाएंगे, सारे कॉस ए से कॉस ए कट, कॉस बी से कॉस से, कॉस सी से कॉस सी, तो के स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बी दिया है हमें √3 एंड सी दिया है √3 - 1 एंड एंगल ए दिया है 60, देन द वैल्यू ऑफ टेन बी माइनस सी बाई टू। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, टेन बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, सॉरी ये होता है बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बी माइनस सी, बी √3 + 1 माइनस सी √3 - 1, तो माइनस √3 + 1 एंड बी प्लस सी √3 + 1 प्लस √3 - 1 और कॉट ए बाई टू मीन्स कॉट 60/2 मीन्स 30। ये कैंसिल हो जाएगा, इधर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 2 √3 और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन 3। अब ये क्वेश्चन है 19, टेन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉट ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, ये खुल गया ये, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें टेन ए प्लस बी बाई टू एज इट इज लिखते हैं और इसको अपॉन में ले जाते हैं, कॉट ए माइनस बी अपॉन
तो इसको हम ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, तो 10 पाई माइनस सी अपॉन टू, और सॉरी ये कॉट ए बाई टू को नीचे लाएंगे तो ये 10 a माइनस b/2 होगा, 10 a माइनस b/2। और हमें पता है 10 a माइनस b/2 का फॉर्मूला भी हम लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। तो इसको हम कर सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। कॉट सी ये 10 पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कॉट सी बाई टू बन जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये और 1 अपॉन a माइनस b अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, तो ए प्लस बी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। कौन सा ऑप्शन है? 3। क्वेश्चन नंबर 20, ये दिया हुआ 3 3 3 3 √3 आर द साइड ऑफ ट्राइंगल, देन द एंगल ऑफ द ट्राइंगल 3 3 एंड 3 √3। हमें साइड्स दी हुई हैं ट्राइंगल की और हमसे पूछा है एंगल।